हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ से मैंने कल ब्लॉग को एंड किया था, वहीं से मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो अभी शाम को 7:30 बज रहे हैं, मैं रात के डिनर का तैयारी कर रही हूँ। और खाने में मैं बनाऊँगी आलू और परवर की भुजिया सब्जी, और उसके साथ मतलब रोटियाँ सेकूँगी, चावल नहीं बनाऊँगी इस टाइम। और आप देख सकते हैं भगोने में मैंने पानी को गर्म किया है, क्योंकि मेरा जो रूम है वो रेंट का रूम है, आपको पता ही है, तो इसमें फ़िल्टर वगैरह लगा नहीं सकते। इसलिए मुझे जब भी पानी पीना होता है तो मैं पानी को बॉयल करके, ठंडा करके उसके बाद ही पीती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पानी भी बॉयल हो चुका है, और अभी मैं सब्जी को बनाने जा रही हूँ। और सब्जी मैं बिल्कुल सिंपल सा बनाऊँगी, केवल हल्दी और नमक डाल के, और हल्का सा लहसुन और मतलब प्याज का तड़का दे के उसको मैं बनाऊंगी। और अभी शाम को 7:45 हो रहा है, लेकिन अभी इसके पापा भी नहीं आए हैं, और तब तक कोई नहीं, अभी आ ही जाएंगे वो भी। और खाने को मैं तब तक बना लेती हूँ, खाना जो भी बनाना है। और यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन को डालने के बाद हल्का सा मुझे इसे सॉटे करना है, और सॉटे करने के बाद थोड़ा सा उसमें मैं खड़ा धनिया डाल रही हूँ, सूखा धनिया जिसको बोलते हैं, और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। मतलब ग्रीन चिल्ली एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, तो मैंने रेड चिल्ली ही डाल दिया है। और इस सब्जी को मैं बिल्कुल सिंपल सा हल्दी नमक हो सकता है, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर भी मैं ऐड कर दूँ। तो अभी मेरा तड़का फ्राई हो चुका है, और मैंने इसमें सब्जी को भी ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें हल्का सा नमक और हल्दी और हल्का सा मिर्चा पाउडर ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मतलब स्पाइसी बनाने के लिए, क्योंकि ग्रीन चिल्ली नहीं था ना, और रेड चिल्ली जो मैंने डाला वो भी ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि रेड चिल्ली ज़्यादा खाते नहीं, कभी कभी मतलब नारियल का चटनी वगैरह बनाते तो ही मैं रेड चिल्ली यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा रेड चिल्ली यूज़ करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सब्ज़ी भी लगभग बन गया है, और अब मैं सब्ज़ी को इस पे ट्रांसफ़र करूँगी और इस पे सेकूँगी अपनी रोटियाँ, क्योंकि आटा मैंने गूँथ लिया था, और आटा गूँथने के बाद 5 मिनट मैं उसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक मैं सब्ज़ी को मतलब बनाती हूँ, तब तक आटा मेरा तैयार हो जाता है। और कभी भी रोटियां सेके ना, तो आटा गूँथ के 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए, उसे आटे को सेट होने के लिए छोड़ देना, तो रोटियां बहुत ही फूली फूली बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसी वजह से मैं आटे को जब भी गूँथती हूँ तो कुछ देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइज, यहाँ पे मेरी रोटियाँ सिक चुकी है, और अभी सब्जी मेरा बन रहा है, मतलब सब्जी बन चुका है, लेकिन थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके और कढ़ाई को गैस पे ही छोड़ दिया, वो धीरे धीरे भुनता रहेगा सब्जी। और यहाँ पे इसके पापा को आज टमाटर की चटनी खानी थी रोटी सब्जी के साथ, तो मैं उसी का मतलब तैयारी कर रही हूँ, लहसुन को छील रही हूँ। जब भी मैं लहसुन को छीलती हूँ ना, तो 10 मिनट के लिए मतलब उसकी कलियाँ अलग करके और पानी में भिगा देती हूँ, तो फटाफट लहसुन छील जाता है बहुत ही जल्दी। तो आपको भी अगर इस तरीके से एक बार आप ट्राई करिएगा, अगर आपको लहसुन छीलने में कोई भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को नेल्स टूट जाते हैं, नेल्स में फंस जाता है, ऐसा होता है ना, तो मैं जब भी चटनी वगैरह की तैयारी करती हूँ तो लहसुन को हमेशा पानी में मतलब भिगा देती हूँ 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी कितनी क्रिस्पी, कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बना था ये सब्जी। तो अभी मैंने सब्जी को खाली कर लिया है दूसरे बाउल में, और इन लोग को मैं खाना दे दी हूँ, तनु को और तनु के पापा को। उसके बाद मैं किचन को साफ़ कर ले रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है मेरी हैबिट है, मैं खाने को तुरंत खाली करती हूँ, और खाली करने के बाद तुरंत मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह मैं ये सब क्लीन करने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मैं इन लोग के साथ खा भी लूँ, लेकिन खाना खाने के बाद फिर मुझे एक आलस जैसा आने लगता है, फिर मुझे काम करने का मन नहीं करता है, और फिर रात को अगर किचन वैसे का वैसे छोड़ दो ना, तो सुबह में फिर काफ़ी लेट हो जाता है इनको नाश्ता देने में, कि अभी बर्तन धुलना है, गैस साफ़ करना है, उसके बाद खाना बनाना है, फिर गैस साफ़ करना, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो लगे हाथ मैं किचन को भी तुरंत क्लीन कर लेती हूँ और बर्तन को भी क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस को भी क्लीन कर लिया है, अब मैं फटाफट बर्तन को धुल लूँगी। और ये देखिए, खाना खाने के बाद इसके पापा को चाय पीना था, तो मैंने अभी मतलब किचन को साफ़ करने के बाद वापस चाय बनाने जा रही हूँ। अभी बर्तन मैंने नहीं धुला है, तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, चाय पी लूँगी, उसके बाद बर्तन धुलूँगी, फिर रात में खाना वगैरह खाऊँगी थोड़ा लेट से। तो यहाँ पे मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और मेरे वहाँ ना चाय का कोई टाइमिंग नहीं होता है, कब किसको क्या मन कर दे चाय पीने का। मैं तो वैसे भी चाय का बहुत ज़्यादा, चाय की एडिक्ट हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो सेम इनके साथ भी मेरे साथ होता है ना, कि रहते रहते लोगों के साथ उन्हीं के जैसा लोग सोचने लगते हैं, तो मुझे लग रहा है मेरी वाली हैबिट अब इनके अंदर भी आ रही है। तो खाना वाना खाने के बाद इनको वापस से चाय पीना था, तो मैं उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ, और साथ में मैं भी पीऊँगी।
तो यहाँ पे मेरा चाय बन चुका है और चाय के साथ मैंने नमकीन भी निकाला था, लेकिन नमकीन ये भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया क्योंकि मुझे अभी खाना खाना था, तो चाय बस केवल हम दोनों ने पिया। और उसके बाद चाय पीने के बाद वापस मैं बर्तन धुलने चली आई हूँ। और पानी देखे कितने तेज से आ रहा है ना, देख रहे होंगे आप लोग, मैं मजाक कर रही थी, पानी बहुत ही स्लो आ रहा है। और कभी कभी तो बर्तन धुलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि इतना पानी का यहाँ क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग के यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एडजस्ट तो हर जगह इंसान करता है, चलो भाई थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हर जगह होता है। हम लोग के यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही पानी आता है, वही हम लोग फिल्टर में भी मोटर में भी काम करने के लिए हर जगह। यहाँ पानी का थोड़ा सा है, काम करने के लिए अलग पानी आता है और पीने के लिए पानी अलग आता है, तो लेकिन जो काम करने के लिए आए वो भी तो कम से कम पूरा होना चाहिए। कभी मेरे कपड़े नहीं धुल पाते हैं, तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब भी मैं बर्तन धुलने जाती हूँ तो यहाँ पानी कभी भी टाइम पे नहीं आता है, तो बहुत सारा काम तो मेरा इसकी वजह से इधर उधर हो जाता है। खैर धीरे धीरे बर्तन धुले और कभी कभी पानी बिल्कुल, और यहाँ पे किचन का टंकी अलग है और वॉशरूम का टंकी अलग है, तो किचन में कभी कभी पानी ख़त्म हो जाता है तो मुझे बर्तन धुलने के लिए वॉशरूम से पानी भर के लाना पड़ता है बाल्टी में, तो वहाँ से भर के लेके आती हूँ, उसके बाद फिर मैं मतलब बर्तन धुलती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन को धुल लिया और देखे जब बर्तन धुल रहे थे तब तक पानी नहीं आया था, और जब बर्तन एकदम से साफ़ हो गया मेरा जैसे तैसे मैंने धुला तो भी पानी कितना तेज़ से आ रहा देखिए। और ये आते टाइम कि मतलब सब्जी वगैरह लेके आए थे और कुछ किचन का भी सामान लाना था तो वही सब लेके आए थे, तो अभी तो मैं काम में बिजी थी इस वजह से इस पे ध्यान भी नहीं दी कि क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं, तो अभी मैं किचन के काम से फुर्सत मिला है तो मैं वही सब देख रही हूँ। तो इसमें करी पत्ता है, बिस्किट है, तनु का मतलब जो फास्ट रहती है उसके लिए घी लाना था और सेना नमक वगैरह लाना था, तो जो सब्जी वगैरह है वो मैं किचन में मतलब फ्रिज में रखूँगी और जो किचन का आइटम है वो किचन में रखूँगी और उसके बाद मैं खाऊँगी खाना। अभी तो मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, तो ये सब आइटम मैं रख दूँगी, उसके बाद अब मैं डिनर करूँगी। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस फर्स्ट टाइम अगर मेरे वीडियो पे आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने, तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके बाय, लव यू।